हेलो दोस्तों, इंडिया किचन में आपका स्वागत है। आज मैं टूटी फूटी बनाऊंगी। इसके लिए मैंने ये कलिंगर के छिलके ले लिए हैं। इसको ये लाल वाला हिस्सा निकाल दूंगी। पीछे का भी छिलका निकाल देंगे। इसी तरह सारे छिलके निकाल दिए मैंने इसका, और छोटे छोटे टुकड़े में कट कर दिया है मैंने। पुट्टी पुट्टी को कलरफुल बनाने के लिए ये कलर ले लिया है, खाने वाला कलर है ये। 200 ग्राम शक्कर ले लिए। शुरू करते हैं पुटी पुटी बनाने का। 4 गिलास पानी डाल दिया इसमें। अभी इसको हम बॉईल करेंगे। पानी में डाल देती हूँ। इसको ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, 50% इसको बॉईल करना है। थोड़ा कच्चा रखना है इसको। बॉईल हो चुके, इसमें निकाल लेती हूँ। ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। कढ़ाई ले ली मैंने, 200 ग्राम शक्कर ले लिया है। जितना शक्कर लिया उतना पानी लूंगी। वही इसको कोई चाशनी नहीं बनाना है, हनी के जैसा थोड़ी सी गाढ़ी बनानी है। वनीला एसेंस डालेंगे इसके अंदर फ्लेवर के लिए। इससे फ्लेवर अच्छा आता है। अभी इसमें शक्कर की चाशनी में डाल देंगे। अभी 10 मिनट इसके अंदर पकाएंगे। शक्कर में पक चुका है, अभी इसको हम बंद कर लेंगे। 4 कांच का बाउल ले लिया है, इसमें अभी हम टूटी फूटी डाल देंगे। फूड कलर डालेंगे रेड वाला, ऑरेंज कलर, हरा कलर।
हमारी टूटी फूटी बन के तैयार है। इसको हमने अभी 3-4 घंटे के लिए इसके अंदर ही छोड़ देंगे ताकि इसका जूस पूरा अंदर तक जा सके। 4-5 घंटे के बाद इसको हम सुखाएंगे। हमारी टूटी फूटी बन के तैयार है। सूखने के बाद इसको एक भरने में डाल के स्टोर करके रख सकते हैं और केक में डाल सकते हैं। फालूदा बनाएगा तो उसमें डाल सकते हो, आइसक्रीम बनाओगे तो उसमें भी डाल सकते हो आप। और छोटे बच्चे को बहुत पसंद है ये, थोड़ा थोड़ा बच्चे को देगा तो बच्चा खुश हो जाएगा रोज। आप भी ज़रूर घर पे बनाइए। हमारी टूटी फूटी बन के तैयार है, अच्छी बनी। वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।